हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं आज आपके सामने लाई हूँ सेतु अभ्यासक्रम हिंदी का वर्कशीट 1, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ है और वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, अगर आपको मतलब आपको क्वेश्चन देखना है तो आप गूगल में जाके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ब्रिज कोर्स हिंदी क्लास 8। ठीक है, ये सर्च कीजिए, फिर आपके सामने वर्कशीट ओपन हो जाएगी। वैसे ही आप सर्च करके देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो फर्स्ट क्या है, मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है वो आपको पूर्ण करने हैं, तो आप कर सकते हो। देखिए, अगर आपको वीडियो मतलब वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला है थोड़ा सा, तो आप क्या कीजिए, आप अपने वीडियो की क्वालिटी ठीक कीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, या फिर आप कर सकते हो स्क्रीनशॉट इस पेज का निकाल सकते हो, जिससे कि आप जूम करके भी देख सको। ओके, तो अब चलते हैं सेकेंड सेतु अभ्यासक्रम वर्कशीट 2 की तरफ। देखिए, ये रहा चित्र का निरीक्षण करना। ठीक है, तो चित्र अस्पताल का है कुछ, तो अस्पताल की आवश्यकता इस विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखो। तो ये देखिए, अस्पताल में जिस प्रकार की हमें बीमारी होती है, उसी प्रकार की हमें दवाइयाँ प्राप्त होती है। अस्पताल में एलोपैथिक की दवाइयाँ हमें मिलती है। अस्पताल में हम अपना इलाज करवा सकते हैं। एक अस्पताल के भलीभांति संचालन में वहाँ के डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, सफाई कर्मियों का बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो आप ये 5 लाइनें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के व्यवसायों के निम्नलिखित नाम तालिका में लिखो। तो क्या है, देखिए, फर्स्ट है डॉक्टर, तो डॉक्टर मरीजों को स्वस्थ बनाता है। शिक्षिका शिक्षा प्रदान करती है। व्यापारी व्यापार करता है। पुलिस सेवा करना लोगों की। ठीक है, मतलब पुलिस सेवा करता है लोगों की। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। ओके, और वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहा या फिर डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं ऐसा ट्राई करूँगी कि आपके डाउट का, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूँ। ओके, ये देखिए, सेतु अभ्यासक्रम 3, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्न निर्मित करो, तैयार करो। वही तो, फर्स्ट क्या है, नदी के बगल में क्या है। देखिए, ये नदी है, ये मैंने यहाँ पर बनाई है ड्राइंग, आप भी ऐसे सिंपल बना सकते हो। ओके, तो पेड़ और पत्थर है नदी के बगल में, ऐसे आपको प्रश्न निर्मित करना है और उसका आपको उत्तर लिखना है। तो ये बना लीजिए, देखिए ड्राइंग भी है। ठीक है, अब चलते हैं वर्कशीट 4 की तरफ। वर्कशीट 4 है, विद्यार्थी कविता ध्यान से पढ़िए, लिंग पहचानो है यहाँ पर सब। सुबह से रिलेटेड ये कविता है, तो कविता को पढ़ लीजिए। ठीक है, आप इंटरनेट पर सर्च करके भी लिख सकते हो। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 पर है, क्या है, उपरोक्त कविता को पढ़कर विद्यार्थी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छाटे। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग ये है और पुल्लिंग ये है। ओके, ये देखिए, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज भी वर्कशीट उसी का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के लिंग पहचानिए, तो हमें लिंग पहचानना है। उसके बाद में यहाँ पर है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, जैसे उसकी आंख लाल हो गया, तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम, उसकी आंख लाल हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर है, मोहन स्कूल में जाती है, तो मोहन लड़का है तो जाता है हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में नदी सागर में मिलता है, नदी मिलती है। ठीक है, वो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। ओके, फिर हम बढ़ते हैं वर्कशीट 5 की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित कृतियाँ करें। यहाँ पर जैसे क्या है, फर्स्ट है, चित्र को देखकर विद्यार्थी दिए गए चित्र में व्यक्ति, वस्तुएं एवं प्राणी एवं पक्षी आदि के नामों की सूची बनाएं। जैसे देखिए, मैंने ऐसे ही सिंपल चित्र बना दिया है। यहाँ पर देखिए, व्यक्ति वस्तु प्राणी पक्षी, लड़की लड़के आदमी, मटके लाठी कुएं, कुत्ता गाय भैंस, चिड़िया कौआ। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं, वर्कशीट 6। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वर्कशीट 1 से लेकर वर्कशीट 9 तक बताऊंगी। अगले वीडियो में मैं 10 और उससे आगे की वर्कशीट बताऊंगी हिंदी की। ओके, देखिए, वर्कशीट 6 है, संज्ञा एवं उसके भेद पहचानो। तो
तो भेद हमें पहचानना है, तो ये लिख लीजिए आप, ठीक है। मैं पढ़ूंगी तभी, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ना दिखाई दे तो वीडियो की क्वालिटी ज़रूर सही करें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, हायर क्वालिटी कीजिए, ओके। अब नेक्स्ट वर्कशीट 7, इसमें हमें संवाद करना है, ठीक है। मतलब दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली बातचीत को हम संवाद कहते हैं, ओके। ये देखिए, जल्दी से लिख लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, ये देखिए। ऐसे ही प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 भी हल कीजिए, ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वर्कशीट 8 पर। ये देखिए, कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जैसे फर्स्ट है हवा की विशेषताएं कविता के आधार पर वर्णन करें। तो ये कविता है छोटी सी जो मैंने नहीं लिखी है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए, ओके। अगर आपको नहीं मिलती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, ज़रूर आपको मिलेगी, मैं उसमें डाल ही दूंगी, ओके। तो इसके कुछ प्रश्न उत्तर है जो आपको लिखना है, ओके। इसके ऊपर भी ध्यान रखिए, इसके ऊपर भी हमें मार्क्स मिलते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो आपको ये करना ज़रूरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। अब हम देखते हैं वर्कशीट 9, यानी कि हमारी लास्ट वर्कशीट जो है, इस वीडियो की अंतिम वर्कशीट है। यहाँ पर कौशल श्रवण और भाषण है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कविता को पढ़ें सुर लय के साथ, मतलब आपको सुर लय के साथ पढ़ना है, एकदम गाकर मधुर आवाज़ में, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना है, ये फर्स्ट इसका पैराग्राफ है और ये सेकेंड पैराग्राफ है, ठीक है। ये देखिए, ये सेकेंड पैराग्राफ है। उसके बाद में यहाँ पर छात्र उपयुक्त कविता का लेखन करें, तो लेखन तो मैंने यहाँ पर कर ही दिया है, यानी कि लेखन मीन्स आपको लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है डन छोटा सा। उसके बाद में छात्र अपनी कल्पना से परी का वर्णन करें, अगर आपको मतलब आपने वर्णन किया और अगर आप लिखना चाहते तो जल्दी से लिख लीजिए उसे, मैंने यहाँ पर सिर्फ डन ही कर दिया है। उसके बाद में छात्र कक्षा 8वीं की पुस्तक से गीत पाठ को पढ़ें, तो गीत पाठ के प्रश्नोत्तर भी मैंने बनाए हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ओके। उसके बाद में यहाँ पर है कहानी के प्रति बच्चों में आकर्षण, इस पर राय लिखिए, तो मैंने यहाँ पर राय अपनी लिख दी है। मुझे भी वो गीत सुनना है कि परी ने ऐसा कौन सा गीत गाया जिससे बस्ती वाले फिर से मिलजुल कर रहने लगे, ठीक है। कहानी मीन्स वो जो गीत पाठ है ना, उसी के आधार पर आपको ये लिखना है राय आपकी, ओके। तो देखिए, हमारा वर्कशीट 9, 1 से लेकर 9 तक हमारा पूरा टोटल ख़त्म होता है, ओके। तो इस वीडियो में बस मुझे आपको इतना ही बताना था। तो वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड्स।